टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शनिवार को सीबीआई के कोलकाता स्थित ऑफिस में पेश हुए। अभिषेक सुबह 10:58 के आसपास इलाके में भारी सुरक्षा की तैनाती के बीच निजाम महल स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे और मामले की जांच के लिए नामित अधिकारियों से मिले। हालांकि इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को सीबीआई को चुनौती दी थी कि अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार का कोई भी सबूत है तो वह उन्हें गिरफ्तार करें। बता दें कि सीबीआई ने स्कूल नौकरी घोटाले की जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को एजेंसी के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा था। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर टीएमसी के चल रहे जनसंपर्क अभियान को रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी कार्यक्रम को मिल रहे जनता के समर्थन से डर गई है। उन्होंने यहां एक रोड शो को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जनता के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। बीजेपी जनसंपर्क अभियान को मिल रहे जनता के समर्थन से डरती है। सीबीआई ने मुझे बुलाया है क्योंकि वे चाहते हैं कि ये जनसंपर्क अभियान बंद हो जाए। बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने अपना ये संबोधन एक वाहन के ऊपर खड़े होकर दिया और साथ ही लोगों का जबरदस्त प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मैं सीबीआई को चुनौती देता हूं कि अगर उनके पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी सबूत है तो वो मुझे गिरफ्तार करें। वे पिछले कई साल से बंगाल में कई मामलों की जांच कर रहे हैं। अगर उनके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है तो उन्हें मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने बताया है कि जांच में शामिल होने के लिए अपने जनसंपर्क अभियान तृणमूल नवज्वार को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है और सोमवार को बांकुड़ा से इसे फिर से शुरू किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।